चलिए जी, सुबह सुबह इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद आमिर। आपको बताना चाहेंगे जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में आज सुबह सवेरे 25 साल शख्स की लाश बरामद की गई है। मुकम्मल खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में आज वजीरबाग में सुबह सवेरे जो है 25 साल शख्स की लाश बरामद की गई है। एहलकार ने बताया है कि कुछ लोगों ने वजीरबाग में आज सुबह सवेरे लाश को पाया और उसके फौरी बाद उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशन को आगाह किया। मकामी पुलिस स्टेशन से वहाँ पे एहलकार पहुंचे, उन्होंने जो लाश को अपने साथ लिया है। इस लाश के हवाले से आपको बताना चाहिए, इसकी शिनाख्त जो है इरशाद अहमद अलाई के बतौर हुई है, जो कि गुलाम नबी अलाई का बेटा बताया जा रहा है और उसकी जो है शाखसाज मोला काड़ीपोरा अनंतनाग से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। फिलहाल जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मजीद कार्रवाई का इंतजार रहेगा। मुकम्मल खबर एक बार फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के काड़ीपोरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले इरशाद अहमद अलाई की लाश आज सुबह सवेरे जनूबी जिला अनंतनाग के वजीरबाग में पाई गई है। वजीरबाग में कुछ अशखास थे, इस लाश को पाया और उसके फौरी बाद उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशन को इस खबर के हवाले से आगाह किया। मकामी पुलिस स्टेशन से एहलकार वहां पे पहुंचे, उन्होंने लाश को अपने साथ लिया और फिलहाल मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। इस हवाले से क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहे जगह न्यूज़ बुलेटिन के साथ।